सीएसपी सीएल की लापरवाही से 16 साल की युवती की करंट लगने से मौत हो गई। ये पूरा मामला भिलाई 3 के विश्व बैंक कॉलोनी का है। पोल पर करंट आने की वजह से मौके पर ही किशोरी विनीता सील की मौत हो गई, जिसके बाद कार्रवाई की मांग करते हुए परिजनों व मोहल्ले वासियों ने भिलाई 3 थाने का घेराव कर दिया। भिलाई 3 के विश्व बैंक कॉलोनी में उस समय सन्नाटा पसर गया जब मोहल्ले की एक युवती विनीता सील बिजली के पोल से चिपक गई और करंट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह बात परिजनों को नहीं पता थी कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। परिजनों ने आनन फानन में अपनी बिटिया को अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मृतका के परिजनों ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर भिलाई 3 थाने का घेराव कर दिया और मांग करने लगे कि जिन लोगों की लापरवाही से बच्ची की जान गई है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और मृतका जिस समाज से ताल्लुक रखती थी उस समाज के लोगों ने भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग के साथ मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि मृतका परिवार की इकलौती बेटी थी और अभी अभी 10वीं की परीक्षा पूर्ण की थी। विनीता सील अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के पास खेल रही थी और खेलते खेलते बिजली पोल के पास जा पहुंची, जहां बिजली का पोल छूने से उसे करंट लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। विनीता सील की मौत के बाद उसके परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि विनीता अपने माँ बाप की एकमात्र संतान थी। मामले को लेकर परिजनों ने मोहल्ले वासियों के साथ भिलाई 3 थाने का घेराव किया, जहां भिलाई 3 थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी न्यूज टीम को दी है। साथ ही समाज के पदाधिकारियों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई के साथ मुआवजे की मांग भी की है। घटना लगभग 1 बजे के आसपास की है। थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र अंतर्गत विश्व बैंक कॉलोनी सेक्टर 1 एक बच्ची खेल रही थी जो विद्युत पोल के पास आई, जिसमें उसको करंट लगा। करंट लगने से जो है उनका देहांत हो गया है जी। आगे जांच कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया तो शव का पंचनामा उपरांत जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत ही आगे मैं बता पाऊंगा। प्रथम दृष्टया अभी जांच जारी है, उसके बाद ही आगे जो भी स्थिति होगी उससे मैं अवगत करा पाऊँगा। की मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटना हुई है, ये घटना हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया परम आदरणीय भूपेश बघेल जी के निवास से मात्र कुछ अधिक की दूरी पे मजदूरी पर ये घटना हुई है। यह घटना नहीं है, ये घटना सीधा सीधा लापरवाही हुई है। ये विभाग की लापरवाही उजागर हुई है। इसमें केवल बिजली विभाग, साथ में नगर निगम भिलाई चरोदा के और यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्योंकि उनको एक दिन पहले इस जानकारी से अवगत कराया गया था कि ये पेड़ से बिजली आ रही है, क्योंकि पेड़ पूरा जो बिजली के तार से पूरा टकराया हुआ है, जिसको आप खुद स्वयं जाके देखे होंगे, कोई अर्थिंग नहीं है। और बहुत सारी लापरवाही का जाकर इसमें खुद ही अधिकारी लोग ने आके इसमें खुद ही देखे हैं, उसके बावजूद उस पेड़ को नहीं काटना, ये कह देना कि काटने का परमिशन किया जाएगा तभी वो पेड़ काटेंगे, क्योंकि जबकि बबूल का पेड़ है उसको आराम से काट सकते थे। और इस प्रकार की अगर काट दिया जाता तो ये घटना नहीं होती। तो ये तो केवल और केवल हमारे मुखिया जी के निवास क्षेत्र में एक तरह से जो शहर में हो रही लापरवाही उसका उजागर हुआ है, और अधिकारियों की पूर्ण रूप से इसके जिम्मेदार है, जिसके संबंध में हम लोगों ने जब हमको जानकारी मिला, क्योंकि ये हमारा समाज के मिंटू सिल जिनके जो पुत्री है उनके पिताजी है, और उनकी मात्र 16 साल की एक लड़की जो कि कल ही 10वीं की परीक्षा दे के आज छुट्टी के आके घूम रहे थे, जिसके चलते यह घटना हुआ। और उस पर केवल हम लोगों ने ये कहा है कि इस पर अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और अधिक से अधिक इस परिवार को मुआवजा राशि भी मिलनी चाहिए। परिवार को मुआवजा देने की मांग तो की जा रही है, पर मुआवजा कुछ हद तक गम को दूर कर पाएगा? परंतु उस माता पिता की आंखों से आंसू इस बात को सोचकर नहीं रुक रहे हैं कि उनकी एकमात्र संतान शासन प्रशासन की लापरवाहियों की भेंट चढ़ गई। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।